आरोही का अमृतसरी स्टेशन। आरोही संघ सिंघम। भाई इसमें मरजामा की गलियां छोड़कर अब आरोही यानी अलीशा पर्वत बन गई है अमृतसरिया यानी पहुंच गई है स्वर्ण नगरी अमृतसर। किसके साथ? सास बहु और बेटिया के साथ। लेकिन ये यहां पर अकेले नहीं आई है, अपने साथ लेकर आई है लिटिल सिंघम की पूरी टोली को। डिस्कवरी किड के मशहूर कॉमेडी शो लिटिल सिंघम का हिस्सा बन गई है अलीशा पनवर, जो पहुंची इस खास कैंपेन शूट के लिए वागा बॉर्डर और पंजाबी टशन में रंगकर बन गई अमृतसर की पंजाबी कुड़ी। सास बहु बेटिया पहुंच गया है अमृतसर और आज हमें अमृतसर घुमाएंगी अलीशा पनवर यानी सीरियल इश्क में मरजामा की आरोही। भाई सीरियल में भले ही अलीशा ना दिख रही हो, लेकिन इस सीरियल ने दिलाई अलीशा को एक नई पहचान और अब अलीशा कुछ नया करने जा रही है और अमृतसर में बेफिक्री होकर यहाँ के लोकल शॉपिंग कर रही है। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में ले रही है आशीर्वाद, खरीद रही है फुलकारी दुपट्टे, लोगों के साथ घुल मिल रही है, जलियांवाला बाग देख रही है। और फिर अलीशा पहुंची बीएसएफ की रिट्रीट सेरेमनी के लिए। भाई डिस्कवरी किड्स के इस खास इनिशिएटिव का हिस्सा बन गई है अलीशा पनवर, जो सास बहु और बेटिया के साथ आज अमृतसर में कुछ हटके करने वाली है। तो चलिए अलीशा के साथ पकड़ते हैं मुंबई से अमृतसर की उड़ान और शुरू करते हैं अमृतसर का सफर, जिसकी शुरुआत हुई अमृतसर हवाई अड्डे पर। अमृतसर का नाम लेते ही ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे छोले भटूरे कुलचे ये सब कुछ याद आ रहा है, मैं वेरी फूडी पर्सन। और अब हम अमृतसर में हैं तो ऑब्वियसली कुछ यू नो कोई बड़ा काम होगा, कोई तो एक चीज़ होगी जिसे पूरा करने के लिए हम यहाँ आए हैं, एंड दैट इज़ अ बिग सरप्राइज फॉर यू ऑल। वील गो टू गोल्डन टेम्पल, वील गो टू अदर प्लेसेज, यू नो बहुत बहुत अच्छी जगहें होती हैं और बहुत शॉपिंग के लिए भी यू नो यहाँ बहुत अच्छी शॉप्स है, मैंने सुना है बहुत अच्छे मार्केट्स है where you can go out shopping, and this is North India, like my hometown, like you know very near to my hometown. So I'm very happy यहाँ की हरी भरी हरियाली देखकर, यहाँ के पेड़ पौधे देखकर, थोड़े बहुत जो यू नो दूर दूर के ही सही लेकिन पहाड़ दिख रहे हैं वो देखकर भी मैं बहुत खुश हो गई हूँ। एंड नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द सरप्राइज जो हम आपको देने वाले हैं। तो सास बहु बेटिया के साथ अलीशा पनवर ने लैंड किया अमृतसर में। यहाँ के एयरपोर्ट पर पहुँचते ही ये तो पंजाबी रंग में रंग गई, लेकिन अभी भाई हमें आज बहुत कुछ करना है। लिटिल सिंघम ने हमारे लिए काफी कुछ प्लान कर रखा है, लेकिन पहले चलते हैं होटल में, हो जाते हैं फ्रेश अमृतसर के ताज स्वर्ण में, वहाँ अलीशा का भव्य पारंपरिक स्वागत। सो जस्ट रीच दी होटल और जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही ट्रेडिशनल और अच्छे तरीके से हमारा वेलकम भी हुआ है विद टीका एंड तुलसी गार्लिन। ये बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, बहुत ही प्योर होता है, एंड प्लस दिस इज़ फॉर द वेलनेस एंड हैप्पीनेस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इट। आई रियली लव्ड द वे यू ऑल वेलकम्ड, थैंक यू। इसके बाद अलीशा फ्रेश होकर तैयार है। अरे ये क्या, ये तो ऑलरेडी पंजाबी कुड़ी बन गई, सलवार कमीज दुपट्टे में बिल्कुल अमृतसरिया कुड़ी लग रही है अलीशा। भाई दुपट्टा सलवार कमीज पहनकर सबसे पहले अलीशा लेंगी गोल्डन टेम्पल में भगवान का आशीर्वाद। अरे भाई अमृतसर आए हैं, सबसे पहले भगवान के आगे मत्था टेकना जरूरी है। हम अमृतसर में लैंड होने के बाद यू नो एज एक्सपेक्टेड अपने होटल गए एंड फ्रेश हुए, एंड आफ्टर दैट यू नो जस्ट चेंज्ड अप, एंड अभी मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ अमृतसर आने के बाद यूजुअली लोग जाते हैं, जहाँ जाना बहुत ज़रूरी होता है, एंड आई थिंक हमें शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। सो एनी गेसेस? Golden Temple. I am wearing something Indian. It is an Arkali, and I specially Golden Temple ke liye ready hui hu. And I'm very excited because I still remember, main bahut pehle aayi thi Golden Temple apni family ke saath, and I think it was
5 years back or more. So उसके बाद मैं अब आ रही हूँ. I'm very excited. I just want to go as fast as possible. भक्तों की लाइन में लगकर आखिरकार अलीशा पहुंची स्वर्ण मंदिर के द्वार और यहां पर रात की छटा देखने लायक होती है. सबसे पहले तो इस जगह की ऑब्वियसली बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स है. So you know, we all are just you know just waiting for the chance to go inside and अच्छे से दर्शन हो जाए. सर पर दुपट्टा रखकर अलीशा ने स्वर्ण मंदिर में दाखिल हुई और स्वर्ण मंदिर में लिया भगवान का आशीर्वाद. अभी अभी हमने गोल्डन टेम्पल में जाकर दर्शन किए हैं. बहुत मज़ा आया, लेकिन यस ऑनेस्टली बहुत भीड़ थी तो काफ़ी समय भी लग गया और बहुत मेहनत लगी. एंड एज़ यू कैन सी कि कितना खूबसूरत लग रहा है. यू नो रात के अंधेरे में लाइट्स एंड लाइट्स के साथ बहुत सुंदर लग रहा है. अंदर शूट करना इज़ नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ सम सेफ्टी रीजन्स, बट कोई बात नहीं, हमने बाहर से शूट किया एंड बहुत मज़ा आया. इट वॉज वंडरफुल, बहुत अच्छे से दर्शन हुए. आई थिंक आप सबको यहाँ जल्दी आना चाहिए. यहाँ हम सबको यहाँ आकर आई एम श्योर बहुत बहुत यू नो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं. एंड टुडे इवन आई वॉज फीलिंग वो एक पॉजिटिव एंड यू नो बहुत सारी वाइब्रेशंस हैं यहाँ, पीसफुल एंड बहुत ही काम फील करते हैं यहाँ. एंड पानी है चारों तरफ गोल्डन टेम्पल के, उसमें फिशेज हैं. इट इज़ ब्यूटिफुल आई कैन से. एंड अगेन वेरी पॉजिटिव प्लेस एंड इट वॉज लाइक आई वॉज थैंकफुल आई वॉज एबल टू डू दर्शन यहाँ पे. वैसे अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में अलीशा को उनके ढेर सारे फैंस मिल गए. भाई यहाँ पर भी उनके फैंस ने उन्हें नहीं छोड़ा. भाई लगता है इनके सीरियल को और सास बहु और बेटिया को अमृतसर में लोग बहुत पसंद करते हैं. भाई स्वर्ण मंदिर में दर्शन तो हो गए, लेकिन अब अगले दिन की सुबह की शुरुआत कुछ अलग ढंग से करते हैं. इस फ्लोरल ड्रेस में अलीशा ने सुबह का स्वागत किया. यूं तो अलीशा शिमला की रहने वाली हैं, लेकिन अमृतसर के साथ उनका गहरा कनेक्शन है और यहाँ के हरे भरे नजारों में उनका मन हो गया बांवरा. वैसे हम मिलते हैं उस शख्स से जिसकी वजह से अलीशा यहाँ पे आई हैं. अरे भाई लिटिल सिंघम कर रहा है अलीशा का इंतजार और अलीशा को लिटिल सिंघम के साथ वागा बॉर्डर पर खास परफॉर्मेंस देनी है. इसे डांस प्रैक्टिस तो बनती ही है. भाई डांस प्रैक्टिस हो गई, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे मिले जो अलीशा के फैंस निकले. देखिए उनके साथ कैसे पंजाबी में बातें कर रही है. वैसे अलीशा इन बच्चों के साथ और लिटिल सिंघम के साथ खुद बच्ची बन गई. देखिए झाड़ू के साथ कैसे मैरी पॉपिंस बन गई है. स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन एंड ग्रीन इंडिया. ओके फूल पत्तियों से बातें कर रही है. लगता है अलीशा के बचपन के दिन लौट आए हैं यहाँ अमृतसर में. वैसे अभी अलीशा को और जगह भी जाना है, तो चलिए सवार हो जाते हैं रिक्शे में और घूमते हैं अमृतसर.
I love traveling, and you know, traveling from places to places, and this is North India, the place where I was born, very near to my hometown, Shimla, Himachal. So it's a very homely feeling. और सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये greenery देख के. It's like wow, pure oxygen. अब वक्त है चलने का जलियांवाला बाग. सो राइट नाउ हम हैं जलियांवाला बाग में. एवरी इंडियन नोज अबाउट इट. इट इज द ऑथेंटिक द ऑस्पिशियस प्लेस जिसके बारे में जो हमारी हिस्ट्री में भी कैद है. एंड काफ़ी जगह हमने देखी है, लेकिन आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस जहाँ हमें होना चाहिए. और अब अंदर चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे, यू नो, सम विल फील नॉस्टैल्जिक एंड विल नो मोर अबाउट आर हिस्ट्री. जी हाँ, अमृतसर की वो आइकॉनिक जगह जो हर कोई देखना चाहता है. भारतीय इतिहास में अमृतसर और जलियांवाला बाग की बहुत बड़ी कहानी है, और इस कहानी को आज अलीशा ने खुद ही महसूस किया. यू नो, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू लुक डाउन कि वो कितनी गहरी वेल है जिसमें यहाँ लिखा गया है कि कुछ लोग जब गोलियाँ चल रही थी, गोलियों से बचने के लिए यहाँ गिर गए, और ऑब्वियसली उन सबकी जानें चली गई. तो बहुत साल हो चुके हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं सच्चे दिल से अभी भी यही प्रार्थना करती हूँ सबकी आत्मा को शांति मिले. मे ऑल ऑफ देम रेस्ट इन पीस. एंड इट वाज अ वेरी बिग थिंग दैट यू नो, आप लाइक यू कैन, नोबडी कैन एक्सप्लेन इट, बट बहुत बड़ा डिजास्टर ही कह सकते हो आप जो हुआ था, जो नहीं होना चाहिए था. बट आज हम सब आते हैं क्योंकि इतिहास के पन्नों में वो चीज़ें अब रिकॉर्ड हो चुकी है, देखते हैं. और यू नो, I actually don't have words. It's just that at times we also feel proud कि कई लोगों ने actually अपनी जाने नहीं दी, वो शहीद हो गए, हम ये कह सकते हैं अपने देश के लिए. वैसे जलियांवाला बाग में ही अलीशा की मुलाकात हुई क्या हाल मिस्टर पांचाल की कुंती से, जो दरअसल अमृतसर की रहने वाली है. और देखिए दोनों का कितना याराना है, क्योंकि अलीशा को इंडस्ट्री में लाने वाली कुंती ही थी जो आजकल अमृतसर में ही रह रही हैं. वैसे जलियांवाला बाग में अलीशा ने ढेर सारे मोमेंट्स कैप्चर किए, लेकिन अब वक्त है चलने का वापस होटल में, क्योंकि शाम के वाघा बॉर्डर के इवेंट्स के लिए तैयारी करनी है. और डिस्कवरी किड्स के बच्चे ऑलरेडी वाघा बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं. अलीशा इसके बाद पहुंचे अपने होटल और व्हाइट ड्रेस में तैयार है वाघा बॉर्डर पर जाने के लिए. भाई अलीशा ने व्हाइट ड्रेस इसलिए पहनी है क्योंकि वो शांति का प्रतीक है. अब वाघा बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान और लिटिल सिंघम्स के साथ वो शांति का संदेश देगी. गाड़ी में सवार होकर अलीशा पहुंची वाघा बॉर्डर, जो अमृतसर से करीब 13 किलोमीटर दूर है. और यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान और लिटिल सिंघम ने उनका स्वागत किया. यहाँ पर सब ने अलीशा के साथ फोटो खिंचाई. और उसके बाद अलीशा ने यहाँ की ग्रैंड रिट्रीट परेड का आनंद लिया, और उसके बाद इन लिटिल सिंघम्स के साथ एक खास परफॉर्मेंस दी. छोटे बच्चे हैं, लेकिन छोटे पैकेट में जो बड़ा धमाका होता है ना, ये वो हैं. दीज आर द लिटिल किड्स, बट ये छोटे सिंघम हैं हमारे. और बड़े हो के आप सबको क्या बनना है? पुलिस. पुलिस, आप यहीं से देख सकते हैं. सो ये हमारा इंडिया का फ्यूचर है. ये बेसिकली इसको रिट्रीट सेरेमनी बोलते हैं, और ये हर शाम का इवेंट है जिसमें कि हम और पाकिस्तान रेंजर्स के जवान आपस में कोऑर्डिनेट तरीके से अपना अपना राष्ट्रीय ध्वज ससम्मान उतारते हैं. और ये डेली का इवेंट है. यहाँ का जो माहौल है बड़ा सौहार्दपूर्ण रहता है, बड़ा आपस में
सहयोग सा भरा रहता है। सर से भी मैं बीच बीच में यही बात कर रही थी, जिस तरह परेड हो रहा था, जिस तरह यू नो जब बॉर्डर के गेट्स खुले, आई लिटरली हैड गूज़बम्स। मैं बिल्कुल पास में बैठी थी ना, आस्क्ड हिम कि कैसे, मतलब आप लोग इतने ब्रेव कैसे होते हो यार, हम लोग सेफ है बिकॉज दीज पीपल आर हियर डे नाइट यू नो प्रोटेक्टिंग आर कंट्री एंड इट्स लाइक इट्स मेरे पास शब्द नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, बट इट वॉज ऑसम और मैंने बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई एम ग्लैड आई वॉज हियर एंड ऑनेस्टली सर आप सब वो डिजर्व करते हो जो यू नो दैट रिस्पेक्ट जो मैं बयान नहीं कर सकती रियली। भाई लिटिल सिंघम और डिस्कवरी किट की टीम के साथ भारत पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पर अलीशा ने एक प्राउड मोमेंट जिया, लेकिन अब बारी है जरा अमृतसर कुछ और एक्सप्लोर करने की। अब जो भी लड़की अमृतसर में आती है उसे खरीदने होते हैं यहाँ की अमृतसरी जूतियाँ, तो अलीशा के साथ चलते हैं ऐसी ही एक अमृतसरी जूतों की शॉपिंग पर। I also have जो मैंने अपनी फ्रेंड्स से अमृतसर और लुधियाना से मंगवाई है अपने जूतीज, बट मैं पहली बार खुद इधर आई हूँ जूतीज लेने। इट्स लाइक वाओ, मिरर वर्क वाली भी है, सो ब्यूटिफुल दे आर। आई लव द छनछन वाली, या मुझे ट्राई के लिए दिखाओगे क्या प्लीज? अलीशा ने ढेर सारे जूतियाँ चेक की, कुछ मोल भाव किया और अपने लिए जूतियाँ खरीदी। I'm loving it, I'm loving the chan chan. अमृतसर आए हैं तो यहाँ की चुनिया खरीदने जरूरी है, पर यहाँ के फुलकारी दुपट्टे मशहूर हैं, तो जरा चेक किया जाए कि अमृतसर के बाजारों में कितना रंग बिरंगा सामान मिलता है। मैं यहाँ बहुत शिद्दत से आना चाहती थी, बहुत देर से वेट कर रही थी इस मोमेंट का व्हेन आई विल गो आउट फॉर शॉपिंग। एंड जब भी हम अमृतसर या पंजाब की बात करते हैं, हमारे दिमाग में आती है पंजाबी जूतियाँ, पंजाबी सूट्स जैसे फुलकारी और इस टाइप की अलग अलग चीजें। तो अब देखिए, हम यहाँ कपड़ों की दुकान में हैं जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर यू नो हैंडमेड भी हमें सूट्स ये दिखा रहे हैं। तो अभी हमें और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से इन सब यू नो फुलकारी दुपट्टा और इन सब के बारे में। तो आई लव दिस क्योंकि दिस इज वेरी गर्ली एंड इवन इफ यू नो यू आर टेकिंग इट फॉर योर मॉम्स एंड एनीवन फॉर यू नो एज्ड, आई थिंक उनके लिए भी एकदम परफेक्ट जाता है। एंड समर्स में तो ऐसे कलर वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। द बेस्ट पार्ट इज ये पूरा फुलकारी है, ये पैरेट ग्रीन, ये भी मुझे यू नो काफी अच्छा लगा, मुझे कलर्स बहुत अच्छे लग रहे थे, वेरी समर फ्रेंडली। एंड फुलकारी एक्चुअली मैं ज्यादा यू नो सूट्स कभी परचेज नहीं करती हूँ, बट यहाँ मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अलग अलग और सुंदर वर्क है कि आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ। रेड फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, ब्लॉसम हुए हुए, एकदम मुझे ये ना समर वाला फील दे रहा है, बीच में थोड़ा स्प्रिंग वाला फील दे रहा है। आई लव इट, दिस मेक्स यू नो एनीबडी, दिस विल मेक एनीबडी लुक मोर यंग। I loved it. तारा तो ये सब कभी नहीं पहनेगी। हाँ आरोही, आज आरोही मैं ये सब बहुत पहन चुकी हूँ और हो सकता है यू नो जो आरोही के किरदार से थोड़ा मैच करते हैं रियल लाइफ में उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। तारा की कैटेगरी थोड़ी अलग है। और देखिए अलीशा ने कितने सारे दुपट्टे चेक किए और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ढेर सारी शॉपिंग की। तो देखा आपने लिटिल सिंघम और अलीशा का ये अमृतसर वाला डे आउट, जहाँ पर देशभक्ति के रंग थे, अमृतसर के जलियांवाला बाग की यादें थी, ढेर सारी शॉपिंग थी और थे कुछ ऐसे मोमेंट्स जो अलीशा पनवर के लिए बन गए यादगार। तो आप भी जाइए अमृतसर जहाँ पर भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई ढेर सारी चीजें हैं, और याद रखिए लिटिल सिंघम को, क्योंकि सास बहू बेटियां और डिस्कवरी किड्स ने मिलकर ये सारा डे आउट अलीशा पनवर के साथ खास आप लोगों के लिए ही रचाया था। अमृतसर से अनुपम राय के साथ आज तक भी रहो।